हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे बहुत मोस्ट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके गवर्नमेंट ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आप आंसर सोच लीजिए। और फ्रेंड्स, आपके जितने क्वेश्चन सही होते हैं तो मुझे वो कमेंट बॉक्स में लिखें, मतलब बताएं मुझे कि आपके इस सेट में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। काकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 30। फ्रेंड्स, मैं आपको एक क्वेश्चन में बताना चाहता हूं, अगर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कीट कौन सा है जिसमें जिसका व्हाइट मतलब कि व्हाइट खून होता है, व्हाइट ब्लड होता है, तो फ्रेंड्स वो काकरोच ही है जिसका इसके मरने से या मारने से मतलब कि इसमें से व्हाइट ब्लड निकलता है। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एशिया का दिल किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, इस्तांबुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, हृदय की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, बालू पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेमोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन ए, 1925। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखते हैं अगला, मेंढक में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? सही आंसर ऑप्शन बी, 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, उजला सोना कहलाता है? सही आंसर ऑप्शन सी, कपास। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत से बर्मा किस वर्ष अलग हुआ? फ्रेंड्स, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, भारत से बर्मा किस वर्ष अलग हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 1937। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, गोल्डन पेगोडा मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, भारतीय सर्जरी के पिता कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, जीवक। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, मानचित्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्टोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, मेंढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? फ्रेंड्स, ये दोबारा क्वेश्चन रीड हुआ है, दोबारा आया क्वेश्चन ये, इसका आंसर है ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, सो प्लीज इसे ध्यान से देखिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 24।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, द्वितीय नियम। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। फ्रेंड्स ये हमारा 16 क्वेश्चन है। ब्रह्मांड की उम्र कितना वर्ष है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 13.8 बिलियन वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी? फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1930। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अंकुरित अनाज में कौन सी विटामिन पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। मोनोकल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अनुत्पादन से। अगला क्वेश्चन देखिए। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, काठमांडू, जो कि नेपाल में है। सॉरी फ्रेंड्स, जो कि नेपाल की जो राजधानी जो कैपिटल है काठमांडू फ्रेंड्स ये है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। मनुस्मृति किस भाषा में लिखित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, संस्कृत। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। सिटी स्कैन में सिटी का विस्तार क्या है? फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पेट्रोलियम को। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मेघोट। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। सबसे छोटा स्तनी कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड। गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 में किसके द्वारा किया गया था? फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, चार्ल्स विल्किंस द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड। स्नूकर में उपयोग होने वाले गेंदों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी? फ्रेंड्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रेंड्स बाबर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा खुद स्वयं लिखी थी। आगे चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन कहां स्थित है? फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या सही आंसर ऑप्शन बी, श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्वर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्वर कौन सा है? फ्रेंड्स इसका आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ऑकुलिस्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड, न्यूटन के गति के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम गति नियम। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड, शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सही आंसर है ऑप्शन ए, लेक्सिकोग्राफी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, मछली के हृदय में कितना प्रकोष्ठ होता है? पहले फ्रेंड मानव के हृदय में प्रकोष्ठ पूछे गए थे, अब ये मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, मतलब कितने कक्ष होते हैं? सही आंसर ऑप्शन बी, 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, मस्तिष्क की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ईईजी द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, 1 ग्राम वसा से कितना कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 9.3 किलो कैलोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली चीनी महिला कौन है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सही आंसर ऑप्शन बी, लियू यंग। आई फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तब उसका रक्तचाप? फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, सही आंसर ऑप्शन ए, फ्रेंड्स घट जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिएगा।